मिल्क जिसका इस्तेमाल हम डेली चाय बनाने में या फिर मिल्क शेक बनाने में करते हैं, उस मिल्क के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मेरे दूध का स्वाद अलग सा क्यों है? जो दूध हमें मेट्रो सिटीज़ में अवेलेबल है, पैकेट्स में अवेलेबल है, उसका टेस्ट जो हमें गांव में दूध मिलता है उससे अलग क्यों होता है? तो इसके लिए हमें जानना जरूरी है कि दूध किन किन चीज़ों से बना होता है। दूध बना होता है प्रोटीन से, फैट से, शुगर से, मिनरल्स से और वाटर से। दूध में जो प्रोटीन होता है वो केजीन होता है। फैट की बात करें तो दूध में 3.4% टू 8.8% फैट की मात्रा पाई जाती है, जो कि हमारे बफेलो मिल्क में फैट सबसे ज़्यादा मिलता है। शुगर की बात करें तो दूध में लैक्टोज नाम का शुगर पाया जाता है, और दूध ही मिल्क ही एक ऐसा सोर्स है जिसमें लैक्टोज मिलता है। लैक्टोज हमें और किसी फूड से नहीं मिलता, लैक्टोज हमें केवल दूध से मिलता है। लैक्टोज का इस्तेमाल हमारे इंटेस्टाइन में, हमारे जो आंत होती हैं उसमें बैक्टीरियाज के द्वारा किया जाता है। साथ ही साथ में हमें दूध में कैल्शियम और मैग्नीशियम भी मिलता है, और दूध का एक मेजर पोर्शन पानी से बना होता है। तो आइए जानते हैं दूध के टेस्ट के बारे में। दूध का टेस्ट जो हमें शहरों में बूथ्स पे या फिर मिल्क शॉप्स पे जो दूध पैकेट में मिलता है, उसका टेस्ट हमारा जो घरेलू गांव का दूध होता है उससे इतना अलग क्यों होता है? तो हमने ये जाना कि दूध किन किन चीज़ों से बना होता है, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, पानी। तो फिर भी इन चीज़ों से बना होने के बावजूद दूध जो पैकेट्स में अवेलेबल है मेट्रो सिटीज़ में, स्मॉल टाउन्स में, उसका टेस्ट इतना अलग क्यों है? तो इसके लिए जानते हैं कि इसके लिए हमें इसको समझने के लिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि स्कीम्ड मिल्क क्या होता है और टोन्ड मिल्क क्या होता है। स्किम्ड मिल्क वो दूध है जिसमें फैट को रिमूव कर दिया गया है, तो स्किम्ड मिल्क में फैट नहीं होता है। अब बात करते हैं टोंड मिल्क की। टोंड मिल्क जो कि केवल इंडिया में ही अवेलेबल है टोंड मिल्क के नाम से, ये बना होता है तीन चीज़ों का: नेचुरल मिल्क का, मेड अप मिल्क का और पानी का। तो टोंड मिल्क के बारे में हम बात करते हैं। टोंड मिल्क में एक पार्ट पानी का बना होता है, एक पार्ट नेचुरल मिल्क का बना होता है, और 1/8 पार्ट स्किम मिल्क पाउडर का बना होता है। तो हमने जाना कि जो टोंड मिल्क होता है वो नेचुरल मिल्क नहीं होता है, वो एक प्रोसेसिंग के बाद में बना हुआ दूध है जिसमें एक पार्ट पानी का है, एक पार्ट नेचुरल मिल्क का है और 1/8 पार्ट स्किम मिल्क पाउडर का है। तो दोस्तों, हमने जाना कि जो दूध हम पैकेट्स में पीते हैं वो एक्चुअली प्रोसेस्ड दूध है, जो एक लॉन्ग प्रोसेसिंग के बाद में हमें पीने के लिए अवेलेबल होता है। तो इन सब प्रोसेसिंग की वजह से जो एंड प्रोडक्ट हमें मिलता है पैकेट्स में,
उसका टेस्ट बहुत ही डिफरेंट हो जाता है नेचुरल मिल्क से। तो दोस्तों, हमने जाना कि जो हम दूध पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं या चाय बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो पैकेट्स में दूध आता है, उसके टेस्ट में जो वेरिएशन है, जो चेंज है, वो किस वजह से है। तो आगे हम जानेंगे कि जो दूध हमें अवेलेबल है सिटीज में, शहरों में, उसमें मिलावट भी होती है। तो उस मिलावट को परखने के लिए, चेक करने के लिए हमारे पास क्या क्या तरीके हैं, क्या क्या मेथड्स हैं, उसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।